तो हेलो गाइज, कैसे हो सारे। कुछ टाइम पहले आरबीआई ने अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था, जो कि है डिजिटल रुपी। तो गाइज, आज हम वही एचडीएफसी बैंक ने भी अपना डिजिटल रुपी ऐप लॉन्च कर दिया है और उसी में हम अपना अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। साथ ही साथ जो एचडीएफसी बैंक के पहले से कस्टमर है उनके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है कि अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं इसमें डिजिटल रुपी ऐप जो है एचडीएफसी बैंक का, उसमें तो आपको 2400 रुपीज़ का स्पाइकर गुडीज मिलता है बिल्कुल फ्री। और बाकी गाइज, अभी हम एचडीएफसी बैंक का जो है डिजिटल रुपी ऐप उसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, देखते हैं एक्चुअली में डिजिटल रुपी कैसा है। मैंने इससे पहले कभी डिजिटल रुपी ट्राई नहीं किया है। आई थिंक आई नो बहुत पहले ही लॉन्च हो गया था, पर मैंने कभी इसमें अकाउंट क्रिएट किया नहीं क्योंकि अभी यूपीआई का जमाना चल रहा है, यूपीआई चल ही रहा है और बाकी यूपीआई लाइट भी है, तो इससे अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन है, इसलिए मैं अभी तक यूज नहीं कर रहा था डिजिटल रुपी। बाकी अभी चेकआउट करते हैं हम। सो गाइज, फाइनली अभी हम चलते हैं अपने एचडीएफसी बैंक का डिजिटल रुपी ऐप में। गाइज, ये मैंने बताया था एसएमएस की कुछ बेनिफिट मिल रहा है एचडीएफसी बैंक का डिजिटल रुपी ऐप में, तो करते हैं इंस्टॉल इसे हम और कर लेते हैं ऐप को ओपन। ये दिखा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है एचडीएफसी बैंक का डिजिटल रुपी, करते हैं अलाउ। और यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आपको ये नीचे देख के एक्सेप्ट कर लेना है। और गाइज, आपको यहाँ पे वही सेम सिम कार्ड सेलेक्ट करना है जो कि आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे हम नंबर इंटर करते हैं, वही नंबर जो रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट में, करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा वेरीफिकेशन हो गया है, एसएमएस सेंड होता है फ़ोन से। और यहाँ पे बायोमेट्रिक सेट करना होता है, वो भी हम कर लेते हैं अभी। गाइज, अब यहाँ पे हमें केवाईसी करना होता है, जो कि यहाँ पे केवाईसी स्टेटस नो दिखा रहा है, सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आदमी का नेम और करते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे गाइज हमें एम पिन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम सेट करते हैं एम पिन। आपको 2 बार एम पिन डालना पड़ता है यहाँ पर और करते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारा एम पिन हो गया है सेट। ये दिखा रहा है हमारा एक बैंक अकाउंट जो कि अभी हमारे वॉलेट के साथ लिंक हो जाएगा, करते हैं इसे, सिलेक्ट करें कंटिन्यू। और यहाँ पे ये शो कर रहा है बैंक वगैरह, तो हमें ये बैंक अभी सिलेक्ट कर लेना है और इसका डालना है कार्ड नंबर वगैरह, कार्ड नंबर का लास्ट 6 डिजिट्स और एक्सपायरी। और गाइज, ये हमारा वॉलेट क्रिएट हो चुका है, कुछ ऐसा दिखता है हमारा वॉलेट जो कि है ई रूपी वॉलेट। और यहाँ पे बैलेंस नहीं, इसलिए शो नहीं कर रहा है, करते ओके। और गाइज, यहाँ पे आप पैसा लोड कर सकते हैं, आप जितना रुपये का नोट लोड करेंगे उतना ही मिलेगा आपको। यहाँ 500, 2000 सबका नोट है, 5, 10 और बाकी गाइस कॉइन भी है, 2 ही कॉइन है, 2 रुपये और 5 रुपये का कॉइन पता नहीं क्यों यहाँ पे नहीं है। और यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम गाइस फोन पे की तरह ही है, फोन पे जैसा आप पैसा किसी को सेंड कर सकते हैं, क्यूआर कोड पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जितना पैसा ऐड करेंगे वही यहाँ पर खर्च होगा। और सारा ऑप्शन काम कर रहा है फिलहाल, कुछ थोड़ा सा बग्स वगैरह है इसमें, जल्दी रजिस्टर नहीं हो पाता है सही से। यहाँ पे स्कैनर खुल रहा है और हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं क्यूआर कोड, टेस्ट करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं क्यूआर कोड। तो गाइस यहाँ पे मेरा नेम शो कर रहा है, मतलब हम इससे पैसा भेज सकते हैं किसी को भी, मर्चेंट और पर्सनल अकाउंट दोनों को। यहाँ पर डालना है अकाउंट, कर देना है सेंड डिजिटल रुपी। बाकी गाइज, अभी हम चेकआउट करते हैं कि हमें स्पाइकर का जो गुडीज मिलना था वो मिला है कि नहीं। गाइज, ये हमारे पास एसएमएस आ गया है अपना फ्री स्पाइकर गुडीज कलेक्ट करने के लिए, करते हैं क्लिक यार। और यहाँ पर ये सब कुछ सामान है जो कि 300 रुपये इसमें नॉमिनल फी देना ही पड़ेगा, शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस लिखा हुआ जो कि 300 रुपये वो देना है, बाकी बोल रहा है कि ये सब फ्री है। और इसमें वॉलेट है, ये चश्मा है और यही सब, चश्मा, घड़ी और कुछ बैग वगैरह है जो कि 300 रुपये का ही है, सब वो आपको देना है, 300 रुपये प्लस जीएसटी देना है। तो गाइज यही सब है, आप लोग वीडियो को लाइक करना।